नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं प्राची भटनागर। कोरोना महामारी ने बहुत लोगों का रोजगार छीन लिया है। इस बीच कुवैत से परेशान करने वाली खबर सामने आई है, जिसने कुवैत में रह रहे भारतीयों को हैरान कर दिया है। कुवैत सरकार द्वारा पेश किए प्रवासी बिल से 8 लाख भारतीयों की नौकरी जा सकती है। दरअसल कुवैत सरकार ने वहाँ की नेशनल असेंबली बिल पेश किया है। माना जा रहा है कि इस बिल के चलते कुवैत में करीब 7 से 8 लाख भारतीयों की नौकरी जा सकती है। कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी कमेटी ने इस बिल को मंजूरी दे दी है और इस असेंबली से मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार यदि बिल ने कानून का रूप ले लिया तो 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी कुल संख्या करीब 1.45 मिलियन यानी 14 लाख है। कुवैत की आबादी 43 लाख है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के सामने आने के बाद कुवैत में विदेशियों की संख्या कम करने को लेकर सांसदों और सरकारी अधिकारियों के बीच बयानबाजी का दौर तेजी से पकड़ता हुआ दिख रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमण के अब तक 39,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने कुवैत के प्रधानमंत्री ने प्रवासियों की संख्या 70% से घटाकर 30% तक करने का प्रस्ताव रखा। कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद कुवैत में प्रवासियों के खिलाफ माहौल बन रहा है। यही वजह है कि कुवैत सरकार ने देश में रहने वाले प्रवासियों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि कुवैत में प्रवासियों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वहां की कुल जनसंख्या के 70% प्रवासी हैं। कुवैत के मूल निवासी ही अपने देश में अल्पसंख्यक हो गए हैं। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल कबीर न्यूज़, और आप हमें Facebook पर भी देख सकते हैं। हमारा Facebook पेज है कबीर न्यूज़।